हैदराबाद स्कूल सी बी एस ई प्लस इन एट कंट्रीज़, मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन स्टेप एक्टिविटी बेस्ड एंड प्लेवे मेथड लॉन्चिंग सेपरेट ब्रांचेस फॉर गर्ल्स एट मुगलपुर। असला नाजरीन आप सबका इस्ताल तेलंगाना न्यूज के खास खबरनामे पर आज 20 सितंबर मंडे का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा शहर हैदराबाद में तेज़ बारिश के चलते अचानक से बुखार के केसेस में इजाफा देखने मिला खसूस बच्चों के दरमियान बुखार के केसेस देखने मिले डॉक्टर्स को परेशानियां हो रही हैं मालूम करने कि बच्चों को किस किस्म का बुखार मुतासर किया है बुखार की वजह मालूम करने पेशेंट्स पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं फिलहाल 20 से 25 फीसद ऐसे केसेस है कि पेशेंट्स को बुखार हो रहा है ये पेशेंट्स डेंगू एस कोविड 19 इन्फ्लुन्जा तमाम किस्म के बुखारों से नेगेटिव पाए जा रहे हैं साथ ही एंटीबॉडीज टेस्ट में भी नेगेटिव पाए गए असल वजह मालूम नहीं हो सक रही है की बुखार किस वजह से हुआ पेट्रियाटिकविस लिटिल स्टार चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश का कहना है कि की पेशेंट किस्म के बुखार से मुतासर हो रहे हैं तमाम टेस्ट करवाने के बावजूद नेगेटिव पाए जा रहे हैं बुखार क्यों हुआ इसकी वजह नहीं मालूम हो सक रही है और दिन पे दिन ब पेशेंट्स की तबीयत नाजुक होते जा रही है रियासत के सारे हॉस्पिटल में बुखार से मुतान पेशेंट्स के सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं कोविड नाइन्टीन और डेंगू के भी लेकिन असल वजह नहीं मालूम हो रही है बुखार की निलोफर हॉस्पिटल में तीस फीसद बुखार के

एमएम mm की बारिश रिकॉर्ड राजेंद्र नगर आरोप एट एम एम की बारिश रिकॉर्ड की गई संतोष नगर पर mm की बारिश रिकॉर्ड की गई और पर सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई 2.8 एमएम mm की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने आज ऐलान किया की कि तेलंगाना रियासत के मुखलिफ मुकाम पर लगातार तीन दिन के लिए बारिश होने का अंदेशा है सेप्टेम्बर इक्कीस से ऐसी लेके सेबर तेवीस तक अल्फाजों की और बयानबाजी की जंग चल रही है म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के टी रामा राव और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टी पी सी सी ए रेवंत रेड्डी के दरमियान ट्विटर पर वाज रहे हाल ही में रेवंत रेड्डी ने वाइट चैलेंज का ऐलान किए और चैलेंज किए सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस और खसूस के टी आर को के ड्रग टेस्ट करवाए साथ ही रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कहा था के टी आर को के टी आर तेलंगाना में ड्रग लेने वालों के अम्बेसडर है इस तालुक से मिनिस्टर के टी आर ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ के टी आर का नाम बदलाम करने पर सिटी सिविल कोर्ट में रेवंत रेड्डी के खिलाफ डिफिमेशन केस दर्ज किए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कई सेलिब्रिटीज ड्रग्स स्कैंडल में शामिल है और के के करीब है और के उन सेलिब्रिटीज को बचा रहे हैं वरंगल से नरसम पेट टाउन का रहने वाला तेवीस साल नौजवान शख्स बी प्रसाद जो टीबी बीमारी से गुजर रहा था इतवार के दिन यानी कल लंच करने के लिए दोस्त के साथ होटल गया वहां बिरयानी खाने पर उसे ठसके और खांसी आने लगी जिसके बाद प्रसाद की बिरयानी खाते ही मौत वाकई हो गई प्रसाद के खाना अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं किए न ही पुलिस ने कम्प्लेन दर्ज किए ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है तेलंगाना में अगले दो दिन तूफ़ानी बारिश होने के इम्कान हैं आई ने बताया नाजरीन ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्णा या गोदावरी नदी नहीं है और ना ही हैदराबाद में कोई खौफनाक तूफानी बारिश हो रही है ये तस्वीरें सिर्फ एक घंटे की बारिश के हैं और हैदराबाद का ये बदतरीन हाल हो गया है बहादुरपुरा का नाला जो 10 साल से आवाम के लिए सर दर्द बना हुआ है ये नाली की तोसी के लिए साल 2013 में उस वक्त के किशनबाग कॉरपोरेटर अजीज बेग ने पचानवे लाख रुपए के जरिए इस नाले को और ख़राब कर दिए बड़ी ही शर्म की बात है ये वही वोटर्स है जो घंटों लाइन में ठहर के अपने वोट के जरिए अपना हुक्मरान चुनते हैं। हालात इतने बुरे हो गए कि आज ड्रेनेज के पानी क्रॉस करने के लिए लाइन में ठहर रहे हैं ये रास्ते से गुजरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने के लिए अगर आपको किशन बाग जाना है तो यही एक रास्ता है